नमस्कार, मैं हूं विजयलाल मरकाम और आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। जी हां, हम बात कर रहे हैं बलरामपुर जिले का, यह तालकेश्वरपुर ग्राम पंचायत है और जो जिला मुख्यालय से महज 110 किलोमीटर की दूरी पे आज तय करके हमने पहुंचा है ग्राम पंचायत तालकेश्वरपुर में, जहां आज आज़ादी के कई वर्षों बीत जाने के बाद भी आज मैं आपको बता दूं कि बिजली पानी से कितने त्रस्त हैं यहां के ग्रामीण, जो आपको सोचने को मजबूर कर देगी। वहीं बता दूं कि यह जो क्षेत्र है रामविचार नेताम जो राज्यसभा सांसद हैं और उनके पुत्री जिला सदस्य निशा नेताम जी हैं, और वहीं बता दूं कि बृहस्पत सिंह क्षेत्रीय विधायक भी रहे हैं। लेकिन ये क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ क्यों है और क्या कुछ मामला है, हम इसको पूरे डिटेल में बताएंगे और यहाँ के ग्रामीणों से जान के उसको रूबरू कराएंगे कि किस तरीके से यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ का क्षेत्रीय प्रतिनिधि से लेके जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, इनकी कानों पे अभी तक कोई जूं तक नहीं रेंग रही है कि यहाँ के ग्रामीण किस तरह अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। जी हाँ, ये देख रहे हैं, बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह ग्रामीण हैं, बेबस हैं, लाचार हैं और अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। वहीं बता दूं कि यह क्षेत्र जिला मुख्यालय से करीबन 110 किलोमीटर दूरी आज हमने तय करके ग्राम पंचायत तालकेश्वरपुर में पहुंचे हैं, और चलिए हम सीधे उन्हीं से रूबरू कराते हैं कि क्या कुछ मामला है और क्यों यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, वह कहाँ सो रही है, कहाँ तक। यदि आज हम देखें इस डिजिटल इंडिया की दुनिया पे, यदि विधायक के घर में, यही नेताओं के घर में 10 मिनट यदि बिजली गोल हो जाती है तो कितनी तकलीफें होती होगी, लेकिन ये ग्रामीणों की आस को देखने के लिए सुध नहीं दे रही है। चलिए सीधे हम बात करते हैं यहाँ की और भी जनप्रतिनिधि हैं। सबसे पहले तो अपने नाम बताइए। मेरा नाम रत्नेश कुमार गुप्ता है। ये कौन से ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत तालकेश्वरपुर जी। जहाँ हमने आज देखा कि आपके ग्राम पंचायत में जो बिजली की समस्या है, क्या कुछ मामला है, इसको डिटेल में बताएंगे। बहुत पहले से यहाँ अंधेरे में हम लोग रहते हैं और लगभग जो है ये जो पहले कुछ पंचायत में तालकेश्वरपुर में लाइट आ चुका है, लेकिन जो पारा है पारे में अभी तक मतलब लाइट नहीं मिला है और लगभग वो 10 साल हो गया होगा अंधेरे में ही है। तो क्या इसकी कोई अवगत किसी जनप्रतिनिधि या फिर उच्च अधिकारियों को आपने किया कभी? जिला कलेक्टर को दिया गया था, ज्ञापन सौंपा गया था, आवेदन दिया गया था, उसका पावती है हम लोग के पास। ये आवेदन कब दिए हैं आपने? लगभग साल भर हो जा रहा है। साल भर तो क्या कुछ आश्वासन मिला वहाँ से? आश्वासन मिला था कि मतलब काम हो जाएगा, तो वही काम हुआ, जो पोल लगा है खड़ा है, उसके बाद चुप है। बिल्कुल देख सकते हैं ये जो सामने जो पोल दिख रही है, इस पोल के अलावा इसमें कहीं से कोई तार नहीं आ रही है, और वहीं बता दें कि ये कितनी बड़ी भ्रष्टाचार, कितनी घोटाला कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर कर्मचारी अधिकारी या फिर यूं कहें ठेकेदारों को। इतनी बड़ी लापरवाही होने के बावजूद भी यहाँ के जनप्रतिनिधि आखिर क्यों ध्यान नहीं दे रही है, यह एक सोचने वाली विषय है। लेकिन और भी यहाँ हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, कुछ भाई हैं, कुछ सहपाठी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ मामला। क्या नाम है आपका? नारायण पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या कुछ मामला है आपका? कैमरे पे देखिए, कैमरे पे क्या कुछ मामला है? बिजली नहीं है, पानी नहीं है, क्या कुछ समस्या है यहाँ? तो हर कोई कुछ नहीं, हाँ बिजली भी नहीं है, पानी। तो इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि से पहुँचाए कभी? पहुँचा है। क्या कुछ आश्वासन देते हैं वहाँ से? आश्वासन मिलता है कि होगा आज परसों कल ऐसी करते, साल दो साल पाँच साल हो जाता है। किसके पास आप लोग गए हैं अभी तक? कलेक्टर के पास गए थे, जिला एसन में गए थे ऑफिस में, वहाँ भी ज्ञापन पता है। बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह अधिकारियों की यह मिली भगत कितनी बड़ी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। लेकिन वहीं मैं बता दूं कि यह कब तक चलेगी और इन जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिन अधिकारियों की ये ताल्लुक रखते हैं, ये कितनी बड़ी एक शर्म सार करने वाली घटना है। आखिर छत्तीसगढ़ की यह किसी भी कोने में आज बिजली को लेकर कमी नहीं है, लेकिन महज जिला मुख्यालय से लेके 110 किलोमीटर की दूरी पे यह गांव बसा हुआ है तालकेश्वरपुर,
जहां आज भी यहां के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं, यहां के बच्चे किस तरीके से पढ़ाई लिखाई करते होंगे रात के अंधेरे पे, वह आज मैं आपको दिखाऊंगा इस ग्राउंड रिपोर्टिंग में कि किस तरीके से यहाँ के बच्चे भी उदासीनता का कारण बन गए हैं। लेकिन इन अधिकारियों को तो अभी तक कोई सूझ नहीं आ रही है। यहाँ हमारे साथ यहाँ के देख सकते हैं, ये विकलांग भी हैं और हमारे साथ भैया हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहन राम। तालकेश्वरपुर। हाँ, इधर कैमरे पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये बताइए, क्या कुछ समस्या है यहाँ का? समस्याएं बहुत है सर। यहाँ पर पीने के लिए हम लोग कुएं में पानी पीते हैं और लाइन का भी दिक्कत है। बच्चे लड़के लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हाँ हाँ, तो पढ़ने के लिए आप लोगों ने क्या कुछ व्यवस्था करते हैं रात के अंधेरे पे? जब रात में दीपक उपक जलाते हैं। हाँ, मतलब दिया जलाते हैं। जी जी। और यदि दिया मतलब आपके यहाँ यदि तेल खत्म हो जाए, फिर कुछ नहीं हो तो लकड़ी का व्यवस्था करते हैं। बस आग जला के बच्चे लोग को पढ़ाते लिखाते हैं ना, तो बच्चे इस पे रुचि रखते हैं पढ़ने के लिए? रखते हैं कम बेसी। आपके कितने लड़के हैं? मेरा एक लड़की है। पढ़ाई कर रही है? जी। कौन से कक्षा पढ़ती है? वो आठवीं। आठवीं। और आपको ये जो विकलांग है, इसके लिए कुछ शासन सरकार के द्वारा कोई योजना के तहत कुछ लाभ मिला है? पेंशन वगैरह, आपको चलने के लिए जो रिमोट साइकिल होती है, चलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिला है। और पेंशन? पेंशन मिल रही है। कितना मिलता है? 350 प्रत्येक महीना मिल रहा है? जी। अब सरपंच सचिव खुद आके देते हैं कि आप कहीं बैंक से जाके निकालते हैं? बैंक से निकालते हैं, खाते में। खाते में। ऐसा तो नहीं है कि दो चार छः महीने से आपको मिला नहीं हो? वैसा है। कितने महीने से नहीं मिला है अभी तक? मतलब 2 महीना, 4 महीना? लेट में आता है। तो उससे आपका जो जीवन यापन होता है, आप विकलांग भी हैं, कहीं काम भी नहीं कर पा रहे होंगे, तो किस तरीके से अपने घर परिवार को आप चलाते हैं? यही छेरी छेरी बकरी पालन करते हैं एक दो। ये है तालकेश्वरपुर के, देख सकते हैं बिल्कुल किस तरह विकलांग है और जो इनकी समस्याएं हैं, जो इन्होंने बताया कि हमारे घर में बच्चे रात के दिए के उजाले पे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, वहीं दिया जब नहीं जलती है तो आग के उजाले पे बच्चे पढ़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं। ये एक खुशी होती है कि कहीं ना कहीं बच्चे, बिजली भी नहीं है, सरकार के आंखों तो खुद नींद सो रही है, लेकिन वहीं बता दूं कि यदि आग जला के भी यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो ये एक खुशी है, क्योंकि यदि कहीं ना कहीं बच्चे मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ दादा हैं। दादा का नाम है? हरिचरण। कहाँ के रहने वाला है? अच्छा, पेंशन वेंशन बढ़िया मिलत है? कितना मिलता है? 350। बिल्कुल, देख सकते हैं किस तरह उदासीनता का यह कारण ग्राम पंचायत तालकेश्वरपुर का है। वहीं बता दूं कि स्थानीय जनप्रतिनिधि को या फिर क्षेत्रीय विधायक को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि क्या आपने वोट डालने से पहले, चुनाव से पहले इस क्षेत्र में भ्रमण नहीं किया? क्या आपके आपके कानों तक यहाँ की आवाज़ें नहीं गई? यहाँ की जो दुर्दशा है वो क्या दिखाई नहीं दे रहा है? आखिर क्यों सो रही है यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी श्री रिश्वत सिंह को मैं भी अवगत इस समाचार के द्वारा अवगत कराना चाहूँगा कि कम से कम अपने क्षेत्र में आके देखें कि किस तरह हमारे क्षेत्र के लोग रात के अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं विजय लाल मरकाम, बलरामपुर।